इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 लेसन इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरीज विथ क्वेश्चन एंड आंसर। वी ऑफन कम अक्रॉस वर्ड्स दैट आर अनफेमिलियर टू अस व्हेन वी रीड बुक्स न्यूज़पेपर और मैगजीन। वी ऑल्सो हियर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हेन वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स। हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। अभी यहाँ पर क्या बताया है, वी ऑफन कम अक्रॉस द वर्ड्स दैट आर अनफेमिलियर टू अस। हम अक्सर शब्दों में आते हैं जो अपने लिए कैसे रहते हैं, अनफेमिलियर, अपरिचित रहते हैं। कभी जब हम वी रीड बुक्स न्यूज़पेपर और मैगजीन। वी ऑल्सो हियर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हेन वी वॉच टीवी प्रोग्राम। हम जब टीवी प्रोग्राम देखते हैं तभी भी हम लोगों को नए वर्ड सुनने को आते हैं, नए वर्ड्स, न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अभी हम लोगों को कैसे उसका मीनिंग पता चलेगा ये नए वर्ड्स का। इन द क्लास रूम द टीचर इज ऑलवेज अवेलेबल टू द स्टूडेंट टू टेल द मीनिंग ऑफ द न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड। हम लोगों को क्लासरूम में टीचर अवेलेबल रहती है स्टूडेंट को, मीन्स स्टूडेंट को उसका मीनिंग, वो शब्दों का मीनिंग जो डिफ़िकल्ट रहते हैं, नए वर्ड्स रहते, डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहते, उसका मीनिंग बताने के लिए हमेशा टीचर अपने क्लासरूम में अवेलेबल रहती है हमारे लिए। बट शी कैनॉट एकम्पनी एवरी स्टूडेंट ऑल द टाइम टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरी न्यू वर्ड। पर वो हर एक स्टूडेंट को वो अपना एक टाइम नहीं दे सकती है सभी स्टूडेंट को एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरी न्यू वर्ड। एक एक मीनिंग वो नहीं बता सकती है एवरी एक एक स्टूडेंट को। बिसाइड द ग्रोन अप पीपल ऑल्सो नीड हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। और जो ग्रोन अप पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको भी उसकी ये संबंध में मदद की ज़रूरत रहती है। अ लैंग्वेज हैज़ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्ड्स इन इट। अभी लैंग्वेज में क्या रहता है, हंड्रेड थाउजेंड वर्ड्स रहते उसमें। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू नो ऑल ऑफ देम। और ये पॉसिबल नहीं है, ये शक्य नहीं है कि सभी एक पर्सन को ये सभी वर्ड्स मालूम रहे ऐसे। बट ऑल दिस वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन इन अ डिक्शनरी। ये सब वर्ड्स किसमें रहते हैं, किसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं, तो डिक्शनरी में रहते हैं। डिक्शनरी में उसका अर्थ रहता है। एट सम टाइम और अदर यू मस्ट हैव बीन एडवाइज टू लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी बाय योर टीचर और पेरेंट। हम लोगों को टीचर और कोई अपने को पेरेंट्स हम लोगों को बोलते हैं कि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आया, अपने को सलाह देते, एडवाइस करते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आया तो उसका मीनिंग हम किस में देखें, डिक्शनरी में देखें। लेट अस नाउ सी व्हाट द वर्ड डिक्शनरी मीन्स। अभी हम लोगों को कैसे पता करेंगे कि फाइंड ये उसका डिक्शनरी का मीनिंग क्या है, डिक्शनरी ये शब्द का मीनिंग क्या है। लेट अस फाइंड आउट। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ हाउ द वर्ड माइट बी एक्सप्लेन इन डिफरेंट डिक्शनरी। अभी कैसे बताया है डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरी में उसका मीनिंग अलग अलग विभिन्न शब्दकोशों में बताया गया है। नीचे दिए गए कुछ उदाहरण के है कि कैसे ये शब्द समझाया जा सकता है विभिन्न शब्दकोशों में। डिक्शनरी नाउन अ बुक इन विच वर्ड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड। यू लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट व्हाट इट मीन एंड हाउ टू स्पेल इट। अभी डिक्शनरी माने क्या है, शब्दकोश। वो उसमें क्या रहता है, तो लिस्टेड रहता है अल्फा वर्ड जो रहता है लिस्टेड रहते हैं। कौन से ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम ए टू जेड। यू लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट व्हाट इट मीन्स एंड हाउ टू स्पेल इट। और वो बुक में हम लोगों को उसका मीनिंग जो वर्ड रहता है, हम लोगों को जो वर्ड फाइंड करना रहता है उस वर्ड का मीनिंग और वो हाउ टू स्पेल और कैसे बोला जाता है, उसका प्रोनाउंस कैसा है, वो भी उसमें बताया जाता है। डिक्शनरीज प्लूरल क्या है उसका, डिक्शनरीज। फर्स्ट अ बुक दैट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग इन द सेम लैंग्वेज।
or another language. Second, a book that explain word used in a subject. अभी डिक्शनरी का प्लूरल क्या बोले, डिक्शनरीज, वो क्या है उसमें, तो वो एक बुक है, उसमें क्या रहता है, लिस्ट ऑफ वर्ड, वर्ड की लिस्ट रहती है, कौन से ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड, उसका कैसे रहता है, वो वर्ड का मीनिंग रहता है और उसके बाजू में उसका प्रोनाउंस स्पेल रहता है, स्पेलिंग रहता है, हाउ टू स्पेल, और वो अनदर लैंग्वेज में भी रहते हैं ये जो डिक्शनरी. और सेकेंड, अ बुक दैट एक्सप्लेन वर्ड यूज इन अ सब्जेक्ट, एक पुस्तक जो शब्दों की व्याख्या करती है, एक विषय में इस्तेमाल किया जाता है. Thus, we see that a dictionary shows us many things. इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शब्दकोश हमें कई चीजें दिखाता है. Words in a dictionary are usually arranged in alphabetical order. अभी डिक्शनरी में जो वर्ड्स रहते हैं वो यूजुअली कैसे अरेंज किया जाता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मीन्स फ्रॉम ए टू जेड. अ डिक्शनरी टेल अस व्हाट अ वर्ड मीन्स, अभी डिक्शनरी में अपने को क्या बताता है, वर्ड का मीनिंग बताया जाता है उसमें. अ डिक्शनरी शोज अस हाउ अ वर्ड इज स्पेल्ड, डिक्शनरी में क्या बताया जाता है और वर्ड का स्पेलिंग बताया जाता है, कैसे स्पेलिंग है उसमें. अ डिक्शनरी टेल अस हाउ अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड, डिक्शनरी में अपने को प्रोनाउंस भी वर्ड्स का बताया जाता है. अ डिक्शनरी शोज अस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड, डिक्शनरी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उसका जो वर्ड का रहता है सेम वर्ड विभिन्न रूपों में, वो भी हम लोगों को बताया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रोज का क्या, रोजेज, गो, गोइंग, वेंट, गॉन, जो पास्ट फ्यूचर टेंस है वो भी उसमें अपने को बताया जाता है. अ डिक्शनरी टेल अस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ वो वर्ड इज यूज, हम लोगों को वर्ड का जैसे मीनिंग बता है, उसका स्पेलिंग बताया जाता है, उसका प्रोनाउंस बताया जाता है, वैसे ही उसको हम लोगों को एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर वो समझाया जाता है उसका मीनिंग. अ डिक्शनरी लिस्ट मेनी अदर वर्ड्स फ्रेजेस रिलेटेड टू दैट वर्ड, जो डिक्शनरी में और क्या बताया जाता है, उसका जो शब्द है और वाक्य फ्रेजेस रिलेटेड कोई रहेगा उसमें, वो वाक्य भी हम लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है. अ डिक्शनरी पॉइंट्स आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग का भी वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग रहेगा, वो भी हम लोगों को बताया जाता है डिक्शनरी में. अ डिक्शनरी ऑल्सो टेल अस द ग्रामेटिकल क्लास टू विच अ वर्ड बिलोंग्स, हम लोगों को डिक्शनरी वो भी ग्रामेटिकल क्लास जो ग्रामर रहता है उसका भी हम लोगों को वर्ड्स के बारे में वो बताया जाता है. जब यू विल लर्न अबाउट दिस क्लासेस ऑफ वर्ड्स व्हेन यू आर अ लिटिल यंगर, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब ये क्लासेस तुम लोगों को समझ में आएगी, लर्न करोगे तब तुम. ऑल द डिक्शनरीज हाउएवर आर नॉट द सेम, डिपेंडिंग ऑन हु इज गोइंग टू यूज द डिक्शनरी द इंफॉर्मेशन इन इट इज अरेंज एंड प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज. अभी ऑल डिक्शनरीज हाउएवर आर नॉट द सेम, सभी डिक्शनरी कैसे रहते हैं, समान नहीं होते हैं. Depending on who is going to use the dictionary, the information in it is arranged and presented in different ways. अभी कौन वो डिक्शनरी यूज़ करेगा वो उस पर डिपेंड रहता है, उसका इंफॉर्मेशन वैसे अरेंज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट वेज से. Do you know that there are different types of dictionaries? Let us look at a few of them. अभी क्या बोलता है, डू यू नो, आपको मालूम है क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिक्शनरीज के है, लेट अस लुक एट फ्यू ऑफ, कुछ उसमें से हम लोग देखेंगे. चिल्ड्रंस डिक्शनरीज, सम डिक्शनरीज आर डिज़ाइन स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, अभी सम उसमें से ऐसे डिक्शनरी है वो डिज़ाइन किसके लिए किया है, तो स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस के लिए, छोटे बच्चों के लिए किया है. दे इंक्लूड ओनली अ फ्यू थाउजेंड वर्ड्स बट देयर आर मेनी पिक्चर्स एंड डायग्राम्स इन चिल्ड्रंस डिक्शनरीज, अभी उस बच्चों के डिक्शनरी में क्या है, फ्यू थाउजेंड ही वर्ड्स है उसमें, और उसमें कैसे है, पिक्चर और डायग्राम है, उन लोगों को वो उसका मीनिंग पिक्चर और डायग्राम से वो डिक्शनरी में समझाया गया है.
There may also be word games, puzzles and jokes based on the meaning or use of word. और उसके बराबर word वो dictionary में क्या है, word games है, puzzle है, joke है, और उस हिसाब से उसका meaning उसमें डाला हुआ है. Pronouncing dictionary. Some dictionaries provide only the pronunciation of words. अभी pronunciation dictionary में क्या है, तो वो कैसे प्रोनाउंस किया है वर्ड वो डिक्शनरी में, वो हम लोगों को उसमें बताया गया है. इट इज़ अ शोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिंबल, और वो कैसे हम लोगों को बताया है, वो स्पेशल सिंबल उसके लिए यूज़ किया है, स्पेशल मीन्स प्रतीक उसमें यूज़ किया है, जैसे हम लोगों को पता चलेगा उसका प्रोनाउंस कैसा रहेगा वो डिक्शनरी में. डिक्शनरी ऑफ सिनोनिमियस. सिनोनिमियस मीन सिमिलर मीनिंग. Some dictionaries give list of the synonymous words which have a similar meaning. और dictionary में ऐसे word है उसका meaning बताया है, other similar meaning उसका बताया गया है. They may also include antonyms or opposite, उसमें उसका विलोम शब्द भी बताया है. Visual dictionaries means दृश्य शब्दकोश. सम डिक्शनरीज कंटेन ओनली विजुअल्स और पिक्चर, और ये डिक्शनरी में क्या बताया गया है, इसमें शब्दकोशों में केवल दृश्य और चित्र में समझाया है. दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन वर्ड्स एज द विजुअल स्पीक फॉर देमसेल्फ. यहाँ पर उसका मीनिंग नहीं बताया है वर्ड्स का, तो कैसे बताया है, दृश्यों के हिसाब से वो दृश्य हम लोगों को एक्सप्लेन करता है, स्पीक बताता है, वो फॉर्म में बताया है. द विजुअल्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ, डायग्राम्स और हैंड ड्रॉन पिक्चर. वो विजुअल वो दृश्य कौन से फॉर्म में है, तो फोटोग्राफ मीन्स तस्वीर, डायग्राम और हैंड ड्रॉन पिक्चर, और हाथ से खींचे हुए मीन्स खींचे हुए पिक्चर उसमें ये फॉर्म में रहते हैं. दे आर ऑल लेबल, और उन्हों वे सभी को लेबल है. सी द सिंपल विजुअल गिवन अलॉन्ग साइड, सरल दृश्य यहाँ हम लोगों को एग्जाम्पल दिया है. इन द सेम वे इवन कॉम्प्लिकेटेड मशीन और सिस्टम आर मेड सिंपल इन अ विजुअल डिक्शनरी. हम लोगों को जो डिफिकल्ट रहते, कॉम्प्लिकेटेड मशीन रहते हैं, जटिल मशीन और उनके सिस्टम रहते हैं, उसका दृश्य हम लोगों को सिंपल विजुअल डिक्शनरी से सरल बताया गया है. उसका वर्ड का मीनिंग ये क्या, उसका पार्ट का ये क्या है, पार्ट उसका मीनिंग क्या है, वो हम लोगों को विजुअल मीन्स उसका फोटोग्राफ, डायग्राम या हैंड ड्रॉन पिक्चर से हम लोगों को बताया जाता है ये डिक्शनरी में. एनसाइक्लोपेडिक डिक्शनरीज. एनसाइक्लोपेडिक मीन्स विश्वकोश, शब्दकोश. एनसाइक्लोपेडियस आर बुक्स दैट गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स. विश्वकोश ऐसी पुस्तक है जो विषयों की बड़ी संख्या पर सारी जानकारी वो बुक्स में रहती है. एनसाइक्लोपेडिक डिक्शनरीज टू गिव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दे कंटेन. इसमें बहुत सारी जानकारी हम लोगों को ये डिक्शनरी में दिया जाते हैं. दिस डिक्शनरी आर यूजुअली क्वाइट थिक एंड कंटेन मे मोर वर्ड्स दैन द स्मॉलर ऑर्डिनरी डिक्शनरी. ये डिक्शनरी में वो डिक्शनरी कैसे रहती है, थिक रहती है, जाड़ी रहती है, मोटी रहती है, और इसमें वर्ड्स भी कैसे रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं. और अपने जो आम डिक्शनरी रहते हैं उससे इसमें कैसे है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बड़ी और थिक रहती है, मोटी रहती है. कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैव ब्रॉट विद देम ऑनलाइन डिक्शनरी. अभी कंप्यूटर और इंटरनेट ने अपने साथ अपने लिए क्या लाए है, ऑनलाइन डिक्शनरी लेकर आए है. दे आर वेरी यूज इजी टू यूज़. ये बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए. यू जस्ट टाइप द वर्ड यू वॉन्ट टू लुक अप एंड इंस्टेंटली यू आर शोन इट्स मीनिंग, यूज़ एक्सेट्रा. ये सबसे ईजी है यूज़ करना. यू कैन जस्ट सिर्फ अपने को क्या करना है, एक वर्ड जो अपने डिफिकल्ट लगता है वो सिर्फ वर्ड टाइप करना है, इंस्टेंटली तुरंत अपने को उसका मीनिंग और यूज़ बताता है. यू कैन इवन लिसन टू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड. और क्या बताया है, हम लोग लिसन भी करते हैं उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे उसका उच्चार किया गया है उस वर्ड्स का. अ
प्रिंटेड डिक्शनरी कैनॉट डू दिस, पर जो पुस्तकीय डिक्शनरी है, जो शब्दकोश है, वो हम लोगों को ऐसा नहीं बता सकती है. देन देयर आर सम डिक्शनरी दैट शो हाउ अ वर्ड वॉज यूज हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो एंड हाउ इट्स यूज और मीनिंग और स्पेलिंग चेंज ओवर द ईयर्स एंड हाउ इट इज़ यूज टूडे. फिर कुछ ऐसी डिक्शनरी है जो हम लोगों को एक शब्द का कैसा सैकड़ों साल पहले उसका इस्तेमाल किया गया है और अभी उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये बताया उसने. अ डिक्शनरी इज़ अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट. ये डिक्शनरी है जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी ही है, मस्ट है. यू कैन बिगिन विथ अ सिंपल अट्रैक्टिव डिक्शनरी एंड देन लर्न टू यूज़ द मोर डिफिकल्ट वंस लेटर. So the next time you come across a difficult word, don't fret. Just look it up in a dictionary. ये सरल आकर्षक शब्दों means dictionary में साथ हम शुरू कर सकते हैं. और जब कभी हम लोगों को कठिन शब्द आया तो don't fret means झल्लाट मत करो. Just dictionary में वो उसका meaning ढूंढो. Just look it up in a dictionary. You can make your own dictionary. तुम खुद एक dictionary खुद की बना सकते हो. Write the meaning and other information about the words you plan to include in your dictionary. तुम उस dictionary में words के बाजू में उसका meaning and other information वो write कर सकते हैं. On the cards of the same size, एक ही same card का size में तुम कर सकते हो. Use a separate card for each word. वर्ड के लिए सेपरेट कार्ड तुम यूज़ कर सकते हो. अरेंज द कार्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. योर डिक्शनरी इज रेडी. तुम लोग क्या बोला है, अरेंज द कार्ड्स. और ये जो कार्ड तुम लोगों ने जो बनाए उसके वर्ड्स और मीनिंग के, तो वो कार्ड क्या बोला है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कार्ड अरेंज करो. योर डिक्शनरी इज रेडी. अपने डिक्शनरी तैयार हो गई इससे. Moreover, you can add new words to this dictionary whenever you like. अब जब भी तुम लोगों को मिलेगा टाइम, you can new words उसमें add कर सकते हो अपने डिक्शनरी में. Answer the following question. Question number 1. Mention the different types of dictionaries. Answer. Children's dictionaries, pronouncing dictionaries, dictionaries of synonyms, visual dictionaries, encyclopedia dictionaries, language dictionaries and online dictionaries. Question number 2. How is the dictionary useful to us? Answer. A dictionary gives us the meaning of difficult words and their spelling. Question number 3. How do you use an online dictionary? Answer. We just have to type a word we want to look up and the computer instantly shows us the meaning and the use of the word. Dictionary, noun, a book in which words are listed in alphabetical order from A to Z. You look up a word in a dictionary to find out what it means and how to spell it. अभी dictionary मैंने क्या है, शब्दकोश. वो उसमें क्या रहता है, तो लिस्टेड रहता है अल्फा वर्ड जो रहता है लिस्टेड रहते हैं. उनसे ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम ए टू जेड. यू लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट व्हाट इट मीन्स एंड हाउ टू स्पेल इट. और वो बुक में हम लोगों को उसका मीनिंग, जो वर्ड रहते हैं हम लोगों को जो वर्ड फाइंड करना रहता है उस वर्ड का मीनिंग और वो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Visit my website komalahirao.com.